नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। हाथरस की हृदय विदारक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। सिकंदरा राव में चल रही सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग शिविर में मची भगदड़ में 127 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस हाहाकारी घटना के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा फरार हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले आरोपी बाबा का नाम FIR से गायब है, जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं घटना के करीब 30 घंटे बाद इस घटना पर बाबा का पहला रिएक्शन सामने आया है। वहीं ये मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है, इसलिए खबरें हैं कि आरोपियों का केस लड़ने वाले AP सिंह भोले बाबा उर्फ नारायण साकार का केस लड़ रहे हैं। देखिए आप ये पूरी रिपोर्ट। हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 127 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग घायल हैं। वहीं मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। घटना को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रही है। फरार आरोपी बाबा की धर पकड़ के लिए पुलिस लगी हुई है, उसके ठिकानों की तलाशी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपी बाबा को पकड़ा जा सके, जिसने अपने ढोंग के चलते सैकड़ों बेगुनाहों और मासूमों की जान ले ली। वही इसी बीच करीब 30 घंटे बाद इस घटना पर बाबा का पहला रिएक्शन सामने आया है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा ने मरने वालों के खिलाफ दुख जताया और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। गुरुवार को जारी अपने लिखित संदेश में बाबा सूरजपाल ने ये भी कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने ये भगदड़ मचाई। उन्होंने ये भी कहा कि वो समागम से बहुत पहले निकल चुके थे। हालांकि हादसे का पूरा मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लेटर भेजा गया है। कोर्ट की कार्यवाही को देखने के लिए भोले बाबा ने AP सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है। जी हां, वहीं AP सिंह जो निर्भया कांड के आरोपियों और सीमा हैदर का केस लड़ चुके हैं। निर्भया कांड के आरोपियों और सीमा हैदर का केस लड़ने वाले अजय प्रकाश सिंह यानी AP सिंह 2012 में खासा चर्चा में आए थे। हालांकि इस केस में उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई, वो केस हार गए, लेकिन अपने पैतरेबाजी से सजा को काफी दिन तक टाले रखा। आखिर में निर्भया के दोषियों को फांसी हुई। इसके साथ ही बाबा की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। भीड़ जुटाने वाले बाबा का नाम FIR में क्यों नहीं है? पुलिस ने अब तक बाबा से पूछताछ क्यों नहीं की? सिर्फ आयोजकों के खिलाफ ही अब तक FIR क्यों? क्या अपने रसूख की वजह से अब तक बाबा बच रहा है? क्या बाबा की वोट शक्ति जिम्मेदारी पर भारी पड़ गई? क्या आयोजकों को नामजद कर बाबा को बचाने की कोशिश हो रही है? 45 घंटे बाद भी बाबा सामने क्यों नहीं आ रहा है? ये सब गंभीर सवाल है जिनका जवाब अभी किसी के पास नहीं है या फिर कोई देना नहीं चाहता है। जाहिर है अगर बाबा का दोष नहीं है तो वो अपनी बात क्यों नहीं रख रहा? हाथरस में तैयारी को लेकर आश्रम जानकारी क्यों नहीं दे रहा? मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है? इतने बड़े हादसे पर बाबा अब तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये सारे वो सवाल हैं जिसके जवाब का सभी को इंतजार है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई राजी नहीं। दूसरी ओर भोले बाबा ने जब से MP सिंह को अपना वकील नियुक्त किया है, तब से केवल इसी बात पर चर्चा है कि क्या AP सिंह भोले बाबा पर से दाग हटा पाएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।